तो अपने एक्सटेंडेड वीकेंड को यूटिलाइज करने मैं निकल जाती हूँ मथुरा के लिए। 84 कोस में फैला ब्रजधाम, जहाँ बस हर तरफ राधे राधे की गूंज है और जहाँ की हवा में बांके बिहारी बसते हैं। तो आइए आप और मैं साथ मिलकर शुरू करते हैं ब्रजधाम का ये सफर। तो अपने दिन की शुरुआत की मैंने ब्रजवासी से। मथुरा का सबसे फेमस रेस्टोरेंट है ब्रजवासी और नो डाउट यहाँ का खाना काफ़ी अच्छा है। मैंने यहाँ ऑर्डर किए थे अमृतसरी छोले कुलचे, जिनका प्राइस था 120 रुपीज़, और ये टेस्ट में काफ़ी अच्छे थे। आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू टू विजिट दिस प्लेस। बस स्टॉप से शेयरिंग ऑटो लेकर मैं निकल जाती हूँ वृंदावन के लिए, और हमारा पहला स्टॉप है निधिवन। ऐसा माना जाता है कि निधिवन के तुलसी के पेड़ असल में गोपियां हैं, जो कि कृष्ण भगवान के साथ हर रात रासलीला करती हैं, और सुबह होते ही वो फिर से तुलसी का पेड़ बन जाती हैं। शाम के बाद निधिवन में कोई एंटर नहीं हो सकता, क्योंकि वहां भगवान आज भी गोपियों के साथ रासलीला रचाते हैं। मैं हूँ अभी वृंदावन के चीरघाट पे। ये वही कदम का पेड़ है जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान ने गोपियों के जो वस्त्र चुरा लिए थे और वो कदम के पेड़ पर जाकर बैठ गए थे। उस युग में यमुना का बहाव जो है वो यहाँ तक था, तो गोपियाँ यहाँ पर यमुना जी में स्नान करती थी, और फिर उसी टाइम श्री कृष्ण भगवान ने उनके वस्त्र चुरा लिए थे और वो कदम के पेड़ पर बैठ गए थे। आप चीरघाट पर बोटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, अगर आप यमुना नदी में जाते हैं तो प्लीज़ वहाँ पर कचरा ना फैलाएं। अब भाई वृंदावन की गलियों में आए और स्ट्रीट फूड ना खाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो वृंदावन में सबसे ज़्यादा फेमस है ये पनीर चिल्ला, जो कि आपको बांके बिहारी की गलियों में हर मिठाई की शॉप पर मिल जाएगा, और इसका प्राइस है 90 रुपीज़ पर प्लेट, और ये टेस्ट में भी काफ़ी अच्छा था। वृंदावन में जो मंदिर मुझे सबसे पीसफुल लगा वो था इस्कॉन मंदिर। यहाँ आकर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। वृंदावन आए तो इस्कॉन मंदिर ज़रूर आना, यू विल फील अ डिफरेंट वाइब हियर। अब चलते हैं विश्राम घाट पर यमुना आरती देखने। विश्राम घाट जो है वो मथुरा में है, और यहाँ से आप बहुत अच्छे से यमुना आरती देख पाएंगे। आप चाहें तो यमुना आरती घाट से भी देख सकते हैं, या फिर बोटिंग करके भी देख सकते हैं। यमुना आरती के लिए बोटिंग का जो प्राइस है वो है 100 रुपीज़ पर पर्सन। विश्राम घाट से निकलते ही मैं चली गई शंकर मिठाई वाले यहाँ की रबड़ी टेस्ट करने। ये मैंने पैक करवा ली है रबड़ी, क्योंकि अभी भूख तो है नहीं, ये मैं होम स्टे पे जाके खाऊंगी।